Hello everyone, this is Sayed Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. गोले की वजह से नूरी की जान को खतरा है। ये कैसी बात की आपने? खून बहाकर अजियत महसूस करता है, वो किसी दिन जान भी ले लेगा उसकी। मेरा ख्याल है आपको जन्नत बीबी के मौकफ की हिमायत करनी चाहिए। क्यों भाई? अगर वो खातून अपनी लड़की को वापस ले जाती हैं और तलाक दिलवा देती हैं, तो आपका तो सबसे बड़ा मसला हल नहीं हो जाता। मुझे जन्नत बी से किसी किस्म का सबूत मांगने की ज़रूरत नहीं कि चोरी का इल्ज़ाम सच्चा था या झूठा, क्योंकि ये मैं जानती हूँ कि नूर बानो का दिल झूठ फरेब तमाह लालच सबसे पाक है। जी आपको बहुत मुबारक हो, आपकी सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। लो मुंह मीठा करो। ये मेरी तरफ से फहमिदा को दे देना, मेरी तो बेटा बस इतनी सी औकात है। ये मत समझना नूरी कि मैं अपने फर्ज से पीछे हटी हूँ। अगर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी मानकर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला किया है, तो इसके नतायज की जिम्मेदारी उठाने को भी मैं हर वक्त तैयार थी और हूँ। लेकिन तुम्हारे और मेरे फैसले से पहले खुदा ने अपना फैसला सुना दिया। पता नहीं खुदा ने फैसला सुनाया है या सजा दी है। नहीं बेटा, कैसी सजा? तुमने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है जो तुम्हें सजा मिलेगी? क्या पता किया हो बेटा। तुमने सब्र किया, खिदमत की, बेलौस खिदमत, उसका अजर मिलता है बेटा, सजा नहीं। और तुम्हें इसका अजर मिला। देखो कैसे फहमीदा ने तुम्हारे किरदार की गवाही देकर तुम्हें मोतबर बना दिया, और अल्लाह ताला ने बिन मांगे तुम्हें माँ के रुतबे पर फाइज कर दिया। क्या माँ बनने वाली? हाँ, तो देख अल्लाह ने कितना करम किया मुझ पे। तो समझ नहीं आ रही कि अपनी खुशी को कैसे संभालोगी। मगर भाभी वो तो भोला। ए अल्लाह, ये भोला निगोड़ा आ जाए तू देखना, बच्चे का सुनते ही कैसे तीर की तरह सीधा हो जाएगा। क्या हुआ इंसान, तो खुश नहीं हुई? पहले मैं जी भर के हैरान तो हो लो। हाँ भाभी, आप भी ज्यादा खुश मत हो। क्या ज्यादा खुश होने से पहले करीब करीब की कुछ और बातों का ध्यान ही कर ले। क्या मतलब है, तू क्या कहना चाहती है रिजवाना? ये क्या बात किया तुमने? अरे मैं तो सोची थी तुझे बताऊंगी तो खुश हो जाएगी, मुझे गले लगाएगी, हम दोनों बैठकर अपना दिल ठंडा करेंगे। ये क्या बात की तूने? मुझे तो लग रहा है कि शरीकों का दिल ही झुलस गया। हाँ इसे क्या तकलीफ हुई? भाड़ भी जाए, या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे आंगन में फूल खिलेगा,
अरे मेरे भोले का नन्ना आएगा, अल्लाह। शुक्र किस चीज का? अधूरेपन का? कैसा अधूरापन बेटा? माँ बनना तो औरत की तकमील है। माँ जी, माँ बनना औरत की तकमील नहीं होती। मैं तो कहीं भी पूरी नहीं पढ़ पाई, कहीं नहीं। जहाँ दिल खींचता है वहाँ एतबार नहीं, और जहाँ एतबार है वहाँ प्यार नहीं है। इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता बेटा, किसी को तो कुछ भी नहीं मिलता। तुम्हें तो वो सब कुछ मिला जिसकी तुमने चाह की, इज्जत, मकाम, नाम, रुतबा और एक ब्याहता औरत का रुतबा। ब्याहता औरतें अगर इतनी मौत पर होती ना अम्मा जी, कहीं सारी सुहाग में तवाइफ ना होती। बेटा, तुम एक नामुनासिब लफ्ज को इज्जत के लफ्ज के साथ जोड़ रही हो। तवाइफ और सुहाग? नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। चलो शाबाश, घर चलो, घर जाओ। उठो शाबाश, खुश होना चाहिए बेटा। बच्चा, भोला इतना भोला भी नहीं है जितना मैं समझ रहा था। यही खबर सुनाने आई हो या कुछ और भी बात है? हाँ, एक सवाल है। कैसा सवाल? तुम मुझे इस बच्चे के साथ कबूल करोगे? देखो साहिब, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आने का वादा मैंने जरूर किया था, लेकिन तब जब मैं पीछे कुछ छोड़ कर नहीं आ रही थी, किसी किस्म का अफसोस या मलाल नहीं था। लेकिन अब है, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती। तो तुम मुझे कबूल करोगे ना इसके साथ? हाँ? हाँ, करूंगा। इस बच्चे को भी और वो सब भी जो इस बच्चे के साथ आ रहा है। बच्चे के क्या क्या मतलब? क्या भाई, देखो ना, असल में तो इस जायदाद का वारिस तुम्हारा मजाजी खुदा है, लेकिन उसकी जो हालत है उसका होना ना होना बराबर है। अब ऐसे में ये बच्चा जो कहानी में ट्विस्ट की तरह आया है, ये है असली वारिस। और इसके बाप की जहनी माजूरी की वजह से उस बच्चे का असली वारिस हुआ कौन? मतलब इतनी भोली तो नहीं हो तुम? नूर, भोला तो वो है जो बाप होते हुए अपनी औलाद पे हक नहीं जता सकता, जैसे मालिक होते हुए अपनी जायदाद पे हक नहीं जता सकता। दुनिया का कोई कानून तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीन सकता, इसलिए बच्चा तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास। और मैं किसके पास? जाहिर है मेरे पास, और किसके पास? तुम्हें क्या लगता है यहाँ लाकर मैं तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दूंगा? हाँ, लेकिन जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता, तुम्हारा उस घर से या भोले की जिंदगी से जाना तुम्हारी पोजीशन कमजोर कर सकता है। इसलिए तुम्हें कुछ अरसा वहीं रहना पड़ेगा, दिल मार के, भोले की बीवी बनकर।
और तुम्हें कोमल का शौहर बनकर। जरूरत पड़ी तो देखो, मैं 1-1.5 साल तक उन्हें नहीं टाल सकता, और अगर साफ इनकार कर दिया तो मेरा तुमसे और उस घर से सारा रिश्ता टूट जाएगा, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? कैसी मदद? तुम्हारे चाचा जान भोले की जान के दुश्मन है, तुम्हारे बच्चे को कैसे बख्शेंगे? और जो उन्होंने भोले के साथ किया वो तुम्हारे बच्चे के साथ नहीं कर सकते। नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी साहेब, मैं अपने बच्चे पर एक आंच भी नहीं आने दूंगी। साहिल बस बहुत हो गया है, बहुत हो गया, मुझे यहाँ से ले जाओ कहीं कहीं बहुत दूर, जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो और इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाला कोई ना हो। मुझे सिर्फ इस बच्चे की सलामती चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे साहिल। मगर मुझे चाहिए, हाँ मुझे चाहिए। मैं किस हिसाब में सारी उम्र तुम्हें और तुम्हारी औलाद को ढोता फिरूंगा? अगर थोड़े इंतजार से फायदा हो रहा है तो मसला क्या? और मैं तुमसे कह चुका हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो भी नहीं। कोई मदद नहीं चाहिए। मदद क्या साहिर, कुछ भी नहीं चाहिए। पहले मैं इसी कश्मकश में थी कि मैं मोहब्बत और इज्जत में से किसका इंतखाब करूं, लेकिन अब मुझे भोले के हवाले से मिली हुई इज्जत भी नहीं चाहिए और तुम्हारी मोहब्बत भी नहीं चाहिए साहिर, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। मैं जान बेवकूफी कर रही हो तुम। तुम्हारे सामने 3 रास्ते और तुम सबसे मुश्किल रास्ता चुन रही हो। तुम्हें पता है, तुम जैसी बैकग्राउंड की औरतें जब अकेले बच्चा पालने निकलती हैं दुनिया में तो क्या होता है उनके साथ? जितने पत्थर तुमने अपनी जिंदगी में खाए ना, उससे दुगने तुम्हारे बच्चे के हिस्से में आए। और अगर वो बेटी हुई तो क्या करोगी, सोचा है कुछ? अब दूसरे रास्ते पर आते हैं। अगर तुम उस घर में भोले की बीवी बनकर उसके बच्चे पालने का सोच रही हो तो नुसरत ये होने नहीं देगा, ये भी तुम अच्छी तरह जानती हो। इसलिए जो तीसरा रास्ता बता रहा हूं ना, वो मान लो, उसी में तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सलामती है। करना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना तुम, बस खामोशी से वहां बैठ जाओ, जाके करना जो करना है मैं करूंगा, मैं सब देख लूंगा, नुसरत को भी देख लूंगा। एक बार उसकी बेटी के नाम के आगे मेरा नाम जुड़ जाए फिर नुसरत पे बस, फिर तुम देखना 1-8 साल की बात, 1-8 साल बाद वो सब हमारे पास होगा जिसका हमने ख्वाब देखा। अम्मी एक बात तो बताएं, ये शकुरन पूरे मोहल्ले में लड्डू क्यों बांटती फिर रही है? वैसे है तो बहुत ही मजे के। अच्छा बताए ना मुझे, पता है मैंने जब ताई जी से पूछा ना तो ताई जी भी बस हंसती, पता नहीं क्यों, कहीं भोले भैया आ रहे हैं इस खुशी में तो नहीं है ना? बोले जा रही है, बोले जा रही है, हटाइए मिठाई यहां से। भाभी भाभी कोई पप्पा बनने वाली, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं इतनी खुश हूं कसम से, मैं आपको कैसे बताऊं? कोमल, कोमल की बच्ची। मैं अम्मी की बात सुनकर आती हूँ लेकिन वापस आ रही हूँ आपके पास, मुझे बहुत सारी बातें करनी है।
देखकर अम्मी मैं तो भाभी किस बात की खुशियां उबल रही हैं तुम्हारे अंदर और क्यों उसके इतने लाड उठाए जा रहे हैं? हाय गजब खुदा का, भाभी बेगम तो सब कुछ भुलाए बैठी, जरा लिहाज नहीं कि कमारी बच्चियों के सामने क्या बात करनी और क्या नहीं। तुम्हें थोड़ी सी शर्मो हया कर लो, हर वक्त उनके घुटने से चिपके बैठी रहती हो हर भली बुरी बात सुनने के लिए। लेकिन अम्मी ये तो खुशी की बात है ना, तो फिर भली बुरी बात क्यों? बहुत खुलती जा रही हो तुम, और ये सब उस बेहदायत की सोबत का असर है। और खबरदार जो आइंदा मैंने तुम्हें उसके इर्द गिर्द मंडलाते हुए देखा, समझी? तौबा खुदाया, तौबा मेरे अल्लाह, खुदा का कहर है ये लड़की, जो भाभी बेगम की वजह से हमें सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। पानी का ग्लास ही ला दो, जो जरा सा भी ख्याल रह गया होगा माँ का। कुर्बानो ये थोड़ा सा पी ले, चेहरे पर रौनक आ जाएगी ना। अरे मुझे पता है तू भोले के बारे में सोच रही है, तू उसके लिए परेशान है। अरे आ जाएगा वो, तू फिक्र ना कर, पर अब के आने दे जरा, इसकी मजाल है जो टेढ़ी आंख से देखे तुझे। तू अपना दिल भारी ना कर, मैं झील की तरह तेरी हिफाजत करूंगी, और जो वो उल्टा हुआ ना तो चपट लूंगी, होश ठिकाने लगा दूंगी इसके। मगर वो आए तो सही, अब तो मेरा दिल भी हौले जा रहा है। बदनसीब खाली हाथ निकला घर से, मुझे तो कभी कोई खुशी पूरी ना मिली। औलाद के आने की खुशी भी औलाद की दूरी के गम तले दबी हुई है। वो ठीक होगा, आ जाएगा रात तक। अच्छा तू परेशान ना हो, अब आएगा ना तो कोई तकलीफ नहीं देने दूंगी तुझे, मैं वादा करती हूँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और रिजवाना की बातों को दिल पे ना लिया कर, इधर से सुन उधर से निकाल दी, ज्यादा बात करेगी तो उसकी भी मिट्टी झाड़ दूंगी। क्या समझती है वो, मेरी बहू को कोई कुछ कह सकता है? चल बस उदास ना हो, देख तू उदास होगी ना तो तुझ पे और बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा। खुश खुश रहना, तुझसे तो बहारें हैं मेरे आंगन में सारी, तू ही तो मेरी वाहिद उम्मीद है। हाँ मुझे इतनी ऊंचाइयों पर ना बिठाए अम्मा जी, ऊंचाई से गिरने से भी बहुत तकलीफ होती है और चोट भी गहरी लगती है। अल्लाह ना करे तू गिरे, खुदा ना करे, ऐसी बातें क्यों करती है? थोड़ा दूध पी ले ना मेरी गुड़िया, पी ले। चल शाबाश शाबाश, हम नहीं रोना, बस हम नहीं रोना। बैठे बिठाए एक नया आजाब नासिल हो गया। पहले जिंदगी भर वो भोला हलक की हड्डी बना रहा, उसके बाद वो लड़की, और अब ये खबर। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं बताऊं? कुछ ना करें जी, जो हो रहा है होने दे। ऐसे कैसे होने दो, रोकने पर आपका इख्तियार भी नहीं है। साहिर मियां, शायद तुम जानते नहीं हो इस बच्चे का इस दुनिया में आने का मतलब क्या है। मैं आपके खदशात समझ रहा हूं, लेकिन इसमें अभी बहुत वक्त लगेगा। भोला खुद को नहीं संभाल सकता, बच्चे को कैसे संभालेगा? इसलिए जिस तरह आज तक आप उसे संभालते आए हैं, इस बच्चे के भी आप सरपरस्त रहेंगे और जायदाद के भी।
तंग आ गया हूं मैं इस मुफ्त की चौकीदारी से। कब तक निगरान बनकर मैं अपनी जान मारता रहूंगा? इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, और जो है मेरे और आप जैसे शरीफ लोगों के बस की बात नहीं है। क्या है ना, शरीफ आदमी बुजदिल होता है, वो सिर्फ कहता है, कर नहीं सकता। क्या मतलब? वैसे ही है, मैं सोच रहा था कि ये बच्चा दुनिया में आता या ना आता, आपने तो जायदाद का निगरान ही बने रहना था ना। भोला मुकम्मल तौर पर पागल भी हो जाता तब भी सब कुछ आपके नाम तो नहीं हो सकता था। जब तक वो जिंदा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं, मैं नहीं ऐसा कर सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। वही तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं और आप शरीफ लोग हैं, हम भला ऐसा कहां कर सकते हैं। इसलिए कुड़ने का कोई फायदा नहीं है, जो हो रहा है उसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर ले। इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता बेटा, किसी को तो कुछ भी नहीं मिलता। तुम्हें तो वो सब कुछ मिला जिसकी तुमने चाह की, इज्जत, मकाम, नाम, रुतबा और एक ब्याहता औरत का रुतबा। एक आध साल की बात है, एक आध साल बाद वो सब हमारे पास होगा जिसका हमने हाथ देखा। अब कहीं नहीं जाने की वो मनहूस। तुम तो चुप कर जाओ, पहले ही मेरा दिमाग घुमा हुआ। बस मुझे चुप कराते रहिएगा, और अब देख लीजिए हाल। अरे जब भाभी बेगम आनन फानन ये रिश्ता जोड़ने जा रही थी, तब मैंने ही कहा था ना कि डट जाओ, ये शादी मत होने दे। बताएं, कहा था मैंने कि नहीं कहा था? कहा था, कहा था, मान लिया कि तुमने कहा था, लेकिन इस वक्त चुप कर जाओ, खुदा का वास्ता चुप कर जाओ, ताने देना बंद करो। अरे अब मानने से क्या होगा? अरे राह चलती घर घुसी मालकिन बन बैठी ना। आपने तो कभी मेरी बात नहीं रखी, आपने मेरे मुंह से निकली भी बात और उस बेकारन की झूठन को हमेशा एक बराबर समझा। माफ कर दो, गलती हो गई। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हारे कहे हुए हर लफ्ज को सोने के कलम से लिखकर महफूज कर लूंगा, लेकिन इस वक्त चुप कर जाओ ताकि मैं कुछ सोच सकूं। चुप करो। अरे अब सोचने से क्या हासिल होगा कोमल के अब्बा? अब तो सारी उम्र भाभी बेगम के पास उस भंगन की अतात में गुजारने के लिए या तो कलेजा बड़ा कर लो, या अब भी मेरी बात मान ले, अब भी यहां से चले जाए। खुदारा मैं अपनी जिंदगी के चार दिन तो किसी ऐसी छत के नीचे गुजार लूं जो जो मेरी हो। इतने साल जो मैंने इंतजार किया है, इसलिए नहीं कि मैं इतनी आसानी से खाली हाथ इस हवेली से निकल जाऊं। निकलना तो पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं, उस लड़की को। अब वो ना निकली, अब तो वो वारिस पैदा करने वाली है। अब तो भाभी बेगम उसके साए से भी अलग ना होने देंगी कभी। और अब उसे निकाल भी कौन सकता है? जब तक भोला है वो है। अरे वो भोला कमबख्त, उसका दीवाना, जोरू का गुलाम। अरे जरा होश होती तो फिर भी थोड़ी आस थी कि चलो किसी दूसरी के चक्कर में इसे छोड़ देगा, मगर ना भाई, ना भोला उसे छोड़ेगा और ना वो हमें।
ये लो भाभी। अरे हटा परे, पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया पिया होगा या नहीं, भूखा फिर रहा होगा अब तक, मुझे पता है। खा लिया होगा भाभी उसने। अरे कुछ ना खाया होता तो घर ना आ जाता हमेशा की तरह से। अरे नहीं खाया होगा, मुझे पता है, मेरा दिल कह रहा है। अरे मेरी आंतें मुंह को आ रही हैं। जब बच्चा तकलीफ में हो ना, जब भी माँ को ऐसा होता है, कुछ नहीं खाया होगा, भूखे पेट होगा। भाभी बस कर दो अब ये परेशान होना। जब से भोले ने होश संभाला ना, तुम तो अपने होश ही खो बैठी। बस भाई अब तो दिल को तसल्ली दे लो, सब्र कर लो, अब सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारा होना है। तुमने भी तो पीरों से जिद लगाई थी ना। हाय हाय, इसे बुरा मत मनाना भाभी, पर असल बात तो ये है कि जहां की दुआ रद्द नहीं होती ना, वहां की बददुआ भी कस के लगती है। अब भुगतना तो पड़ेगा। अरे भुगत तो रही हूँ, लेकिन आखिर कब तक भुगतू। मैं ममता का गला घोटकर जवानी में अपनी बात से फिर गई थी, उसकी सजा पा तो रही हूँ। पहले सर का साई गया, फिर बेटा हाल से बेहाल हो गया, और कब तक भुगतू ये तो बता दो मुझे। देखो भाभी, पीर तो जलाली होते, तुमने मन्नत पानी थी, अपनी मुराद पा ली, और अब जब देने की बारी आई तो तुम हौसला हार गई। भाई अब तो वो लिए बिना ना टलेंगे। अरे भर तो रही हूँ जुर्माने, साल हा साल से भर रही हूँ, और क्या करूँ। ऐसे ही ना बोल तू, अभी आता होगा मेरा भोला, मुझे पता है वो अभी लौट आएगा। अल्लाह करे जी। और देखना रिजवाना, अब तो खैर से मेरे भोले की नस्ल भी बढ़ रही है। अरे मेरी है चिकनी की माफी हो गई है, मुझे पता है, तभी अल्लाह पाक ने मेरी झोली में खैरात डाली है, यही तो वजह है, अभी आता होगा। वैसे मेरे मुँह में खाक, पर याद है ना पहले जब तुम्हारी झोली भरी थी तो सर से रंगीन दुपट्टा छिन गया था। भाई मैं तो कहती हूँ सबका खैरात करो कुछ, पता नहीं क्यों मेरा तो दिल हौल रहा है। गंदे गंदे थोड़ी है, अब तो लौटाऊं यूं मल मल के पे साफ है। जो खलीज है तू, इतनी घिन आती है तुझसे, इंसान का दिल करते है उल्टी कर दे। जो बात मुझे तुमसे करनी थी वो फोन पर नहीं हो सकती थी, इसलिए तुम्हें यहां बुलाया। कहो। भोला कहां हुआ? इसमें भोला मुझे नहीं पता, मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता कि वो कहां है। फिर भी कुछ तो अंदाजा होगा ना, कोई ठिकाना, कोई दोस्त वगैरह। उस बेचारे के कौन ने दोस्त भला, यहीं कहीं गलियों की धूल छान रहा होगा। लेकिन तुम्हें उसकी अचानक इतनी फिक्र क्यों हो गई है? मुझे नहीं है, उसके चाचा कौन, मैं तो बस एक बुजुर्ग आदमी का काम आसान कर रहा हूं। काम आसान क्या क्या मतलब है, क्या करने वाले हो तुम लोग, और कितना बेड़ा गरक करना है उसकी दिमागी हालत का, बेचारे को पागल खाने भेजना है क्या? बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया नुसरत चाचा, कहीं और पहुंचाना चाहता है उसे, शायद अगले जहां। बिस्किट खाओ।
याद है ना, पहले जब तुम्हारी झोली भरी थी तो सर से रंगीन दुपट्टा छिन गया था। है मैं तो कहती हूँ सबका खैरात करो कुछ, पता नहीं क्यों मेरा तो दिल हौल रहा है। नहीं, मेरी भोली को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ, डर गई तुम? पानी लाकर दो मुझे। हाँ लाता हूँ। तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा? घबराओ मत, मैं हूं ना यहां, सब संभाल लूंगा। अब तुम दोनों क्या करना चाहते हो? हम दोनों ने सिर्फ उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर सके। अगर उसने करना ही होता ना तो बहुत सालों पहले कर चुका होता। यकीनन तुमने कोई ना कोई तरकीब उसके दिमाग में डाली है। नूर, मैंने तुम्हें बताया था ना, शरीफ आदमी बुजदिल होता है, बस मैंने उसकी बुजदिली खत्म कर दी ये कहकर कि अगर अभी हिम्मत नहीं दिखाएगा तो सब कुछ खो देगा। साहिर, उसे भोले से खतरा नहीं होना चाहिए, उसे खतरा होना चाहिए मुझसे या मेरे होने वाले इस बच्चे से। भोले से उसे क्या खतरा होगा, ना कभी हुआ है ना कभी होगा, मतलब भोले के बाद मेरी बारी होगी। मेरे होते हुए तुम्हें कोई क्या कह सकता है, फिक्र क्यों कर रही हो? साहिर, फिक्र करनी पड़ती है और मुझे फिक्र है क्योंकि तुम उसकी हिम्मत को खोल चुके हो। एक जान लेने के बाद दूसरी जान लेने में उसे कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम्हें पता ही नहीं है मैं क्या सोचे बैठा हूं। हाँ तो फिर शायद मुझे समझाओ ना कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम अगर मुझे समझाओगे नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगा, मैं तुम्हारा साथ कैसे दूंगी? तो सुनो, भोले से अलहदगी या तलाक की सूरत में उस जायदाद का वारिस तो बच्चा ही रहेगा, लेकिन यह खतरा नहीं टल सकता कि वो बच्चा तुमसे छीनने की कोशिश की जाए। हाँ, लेकिन भोले के मरने की सूरत में तुम आराम और इज्जत से उसकी जगह ले सकती हो, समझी? और जहां तक बात नुसरत चाचा की है तो किसी इंसान का कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे आदमी को छोड़ दूंगा जिसने अपने भतीजे को पहले दिमागी मरीज बनाया और उसके बाद जायदाद के लिए उसकी जान ले ली? ऐसे आदमी को तो फौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वो भी सारे सबूतों के साथ। यानी वो सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा या फांसी? हाँ, और सोचो दो बेसहारा और मजलूम औरतों को संभालने का कितना सवाब मिलेगा मुझे। एक वो जिसने अपना बेटा खोया है और एक वो जिसने अपना शौहर खोया। और रहा सवाल तुम्हारे बच्चे का, तो नूरी वो सारी उम्र तुम्हारे साथ रहेगा, हम दोनों मिलकर पालेंगे उसे उसी हवेली में, शान से, इज्जत से, ऐश के साथ। हम उसे पालेंगे या वो हमें पालेगा? इतनी नेकियां कमाने जा रहा हूं, दो बेसहारा औरतों की कफालत करने का, एक यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखने का, एक कातिल को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का, अब अजर की उम्मीद भी ना रखूं। नूर, इंतजार का मतलब खत्म हो गया है, मंजिल बहुत करीब है। मुझे भी अंजाम करीब नजर आ रहा है साहिर। साहिर, यूं ही मेरे दिमाग में ख्याल सा आया। बोलो। वो जिस दुकान पर तुम काम करते थे और वहां डकैती हुई, तुम जेल चले गए, उसके बाद से ये सारी कहानी शुरू हो गई। वो इल्जाम नहीं था ना?
वो डकैती तुमने की थी। मुझे गुमान था कि मैं तुम्हें अंदर तक जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे ये गुण तो मुझसे भी पोशीदा है। खैर मैं चलती हूँ, देर हो गई है बहुत। शकुरान जी, बीबी जी, रिक्शा आ गया? हाँ, वो मोहल्ले के लड़के को मैं खड़ा करके आई हूँ दरवाजे पर कि कोई रिक्शा है तो रोक ले। वैसे बीबी जी, आप जा कहाँ रही हैं? खरीदारी करने? हाँ, सौदा ही किया है, उसी की बात करने जा रही हूँ। तो मुझसे साहब से कहे कि आप मोटर मंगवा लेती। नहीं नहीं, मुझे मोटर पर नहीं जाना। और सुनो, नुसरत और रिजवाना पूछे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, बल्कि रिजवाना ज्यादा बातें करे तो कहते ना पड़ोस में गई। वो रिक्शा फटफटाने की आवाज आ रही है, लगता है रिक्शा आ गया है। अच्छा ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान अशरफ। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड जबरदस्त कंटेंट।